दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CTET या DET प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं लद्दाख प्रदेश के लोगों का जनजीवन कैसा होता है उसको बताऊंगी। इसका एक और वीडियो मैं लेकर आई थी, पार्ट वन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें से कुछ टॉपिक बाकी बच गए थे, उसको मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। या आपके किसी भी टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग लद्दाख प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्या है, काकाकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, काराकोरम दर्रा जो है यह कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है और यह दर्रा लद्दाख दर्रा से होकर ही गुजरता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को कहां से, तिब्बत से जोड़ता है और या दर्रा लद्दाख दर्रे से होकर ही गुजरता है। इसके बाद है, लेह से मनाली तक एक सड़क रोहतांग दर्रा, ध्यान दीजिए, लेह से मनाली तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है। यह सुरंग क्यों बनाई जा रही है, ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। अब देखिए, यह सुरंग जो बनाई जा रही है इसलिए बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। इसके बाद है, वहां के सड़क मार्ग या आवागमन के क्या साधन है उससे संबंधित। तो उसमें सैनिक लोग जो है वहां के, वह तो अक्सर हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया पहले वीडियो में कि रेल मार्ग तो वहां है ही नहीं, तो आवागमन के लिए पगडंडी ही एक मुख्य मार्ग है। ठीक है, पगडंडिया जो है यही आवागमन के लिए का मुख्य मार्ग है और सैनिक तो वायुयान के द्वारा यानी हेलीकॉप्टर से ही आवागमन करते हैं। इसके बाद लद्दाख प्रदेश के लोग होते कैसे हैं, यानी देखने में कैसे होते हैं, उनका हाइट वगैरह, तो उनका कद जो होता है सो छोटा होता है, वैसे हम लोग के जैसे ही होते हैं लेकिन कद छोटा होता है, शरीर एकदम सुडौल होता है। ठीक है, इसके बाद है, वहां के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के, और लद्दाख में निवास करने वाले लोग एक ईरानी और एक मंगोल प्रजाति के है, और ईरानी प्रजाति के लोग जो है उनको क्या कहा जाता है, बल्टोरो। याद रखिएगा, ईरानी प्रजाति के लोग को बल्टोरो कहते हैं, बल्टोरो कहलाती है, और ये मुख्यतः मुसलमान होते हैं, और ईरानी प्रजाति के जो लोग हैं बल्टोरो सो मुसलमान होते हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग जो है सो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है मंगोल प्रजाति, और मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। इसके बाद है, लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ है, वहां पे बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी है, तो इसलिए लद्दाख में बहुत बड़े बड़े बौद्ध धर्म के मठ भी है, जिसमें इन मठों को कहते क्या है, गोम्पा। लद्दाख में मठों को गोम्पा कहते हैं, जिनको हम लोग मठ कहते हैं। इसके बाद है, हेमिश, थिक्से और लामयुरु। ठीक है, फिर से देखिए, हेमिश, थिक्से और लामयुरु, ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ है लद्दाख के। इन मठों के चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे पताकों से घेर देते हैं, और इन मठों के चारों तरफ देखिएगा रंग बिरंगे झंडे और पताकों से चारों तरफ से घेर देते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन पताकों से, पताकों में जो लिखे संदेश है सो हवाओं के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्यों घेरे जाते हैं चारों तरफ से पताके से, क्योंकि यही मान्यता है कि इस पे जो भी संदेश लिखे हुए हैं सो हवाओं के माध्यम से यह संदेश ईश्वर तक पहुंच जाती है, भगवान तक पहुंच जाती है। इसके बाद है, अब देखिए कि हमारे देश में, हम लोग एक ही देश में कितने अलग अलग तरह की परिस्थितियां और जलवायु हमारे यहाँ है इसको सोच सकते हैं, और सचमुच प्रकृति जो है इसमें हमारी कितनी मदद करती है, यानी प्रकृति हम लोगों के लिए कितनी मददगार है कि एक ही देश में अलग अलग तरह की परिस्थितियां और जलवायु है, फिर भी प्रकृति हम लोग की यहाँ पे मदद करती है उसमें रहने के लिए। तो इस चैप्टर में बस इतने ही थे, आगे के वीडियोज में मैं और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।